भूमाफिया तस्कर बेईमान बदमाश मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को तंग करने वाले आज उनकी कमर तोड़ कर रख दिए। और याद रखना कमलनाथ दिग्विजय सिंह, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, खोल के गड़ा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता का राज है। लेकिन हमने सुना है दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले, और उपवास चाहे भी नहीं, बोले किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान कानून। हाँ, उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विंध्य की धरा पर तुमने बाढ़ सागर पूरा नहीं किया, विंध्य की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया, तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की मालवा की धरती पर नहीं आने दिया, तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा। और कमलनाथ तुम उपवास करोगे, जो जनता का हक ही खा गए, कर्जा माफी कह के बदल गए, और इनने नहीं उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने, राहुल बाबा 10 दिन में सब कमा, उस चक्कर में कहीं ने दिया नहीं तो रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, घर जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्रायश्चित करो, भूखे रहो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो, प्रायश्चित करने के लिए। और आज शिवराज सिंह चौहान कहता है मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, विंध्य वालों, मालवा वालों, ग्वालियर चंबल वालों, बुंदेलखंड वालों, ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ब्याज की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे, तो हम उतारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपवास करने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं थे, दिक्कत थी, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था, वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है, बताओ। अरे जवाब से बताओ, पाप है कि नहीं? वैसे ही खा गए, किसानों की बात करते हो। हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना के पैसे कमलनाथ जी, और राहुल बाबा आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने जमा नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना मिला का लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की, हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। तुमने किसानों के साथ अन्याय किया। हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, तुमने कर्जा माफ करके के 0% ब्याज पर कर्जा ही बंद कर दिया। एक नहीं अनेकों पाप किए इस कांग्रेस ने। आज ये किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, उनका पैसा नहीं दिया। बैंक वाले मेरे पास आए कि आप तो दयालु मुख्यमंत्री हो, हम वर्गर में क्या क्यों, बोले कमलनाथ कर्जा माफी का प्रमाण पत्र बटवा गए, पैसा दिया ही नहीं है, मामा तुम्हें जमा करवा दो। धन्य रे कमलनाथ, अब उपवास नहीं करोगे तो क्या करोगे, पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। किसान भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं,
किया गरीब किसानों के लिए 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपया देंगे। एक अमरनाथ राहुल बाबा तुम्हारा क्या जाता था रे, तुम्हें तो सूची भेजनी थी, सूची इन्हें सूची तक नहीं भेजी किसानों की मदद से। प्रधानमंत्री का पैसा नहीं मिल जाए इन्हें सूची मत भेजो, तुम्हारा क्या जाता था रे, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चढ़े चोखा, तुम्हें तो सूची भेजनी थी लेकिन सूची नहीं भेजी। मैं आज आपसे पूछा जाता हूं, पीछे तक बताना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजना पाप है कि नहीं है? अरे ऐसे नहीं जोर से बताओ, पाप है कि नहीं है? जवाब दो कमलनाथ राहुल गांधी, हमने सूची भेजी। अब जब हम सूची भेज रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि शिवराज चौथी बार बन गया, 6000 पहले से मिल रहा है, 4000 तू भी ढाल दे, खाए को कसर छोड़ रहा है। तो हमने 6000 में 4000 जोड़ के 10000 कर दिए। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? हमने 10000 कर दिए, उन्हें सूची नहीं भेजी। और अभी तो ये 10000 किए सबों ने, कोरोना की कड़की है, जरा और जाने तो फिर देखना। अभी 18 तारीख को परसों के दिन जिन किसानों की फसल खराब हुई थी 1600 करोड़ रुपया उनके खाते में फिर डालने वाला हूं। अगले महीना फिर किसान कल्याण निधि का पैसा डालेगा, महीना में कम से कम एक बार तो पैसा डालेंगे किसान के खाते में। कमलनाथ कांग्रेस के राज में कभी मिले थे क्या पैसा बताओ? खाते में कभी आते थे? किसान कानून का विरोध करेंगे क्या? खाकर विरोध करोगे? 100-100 चूहे खाके बिल्ली हज करने जा रही है, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे, किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है पता है तुम्हें? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है बता सकते हो क्या तुम? यह विरोध करेंगे किसान कानून, ये किसान कानून क्या है? मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, अगर सबसे बड़ा किसान हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत के लिए भगवान का वरदान है।